हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वन बाय वी वर्सेस वन बाय यू ग्राफ, जो कि कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए दोनों के लिए हमने ड्रॉ किया था। ठीक है, आज हम लोग वी वर्सेस यू ग्राफ प्लॉट करेंगे कॉनकेव मिरर के लिए। वी मतलब कि इमेज डिस्टेंस और यू मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये जो ग्राफ मैं बताने वाला हूँ थोड़ा सा मुश्किल ग्राफ है, जिसको कि समझना थोड़ा सा मुश्किल है ना। हालांकि एक बार आप समझ गए, इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ सकते हैं इसको बढ़िया से। और जब आप समझ जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व होंगे इस ग्राफ की मदद से, है ना। स्पेशली जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो तो उसके लिए हमें ये पता नहीं होता कि इमेज कहाँ पर बनेगा, कितना मैग्निफाइड होगा या डिमिनिश्ड होगा, रियल होगा वर्चुअल होगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती, लेकिन जब ये ग्राफ एक बार सीख जाएंगे आप तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का भी इमेज कहाँ पर बनेगा, रियल होगा वर्चुअल होगा इन्वर्टेड होगा इरेक्ट होगा, सारी चीज़ें पता कर सकते हैं केवल इस ग्राफ से। ठीक है, तो मैं उस ग्राफ को बताने की कोशिश करता हूँ, आप ज़रूर जो है उसको समझने की कोशिश करें। क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल ग्राफ है इसलिए इसको क्लास में बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं, है ना, टीचर लोग कम पढ़ाते हैं इस ग्राफ को, लेकिन ग्राफ जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले वी और यू ग्राफ समझने के लिए हमें उनके बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, और वो जो रिलेशन आता है वो मिरर फॉर्मूला से आता है ना। तो मिरर फॉर्मूला जो हम लोग जानते हैं वो है वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ। इसको रीअरेंज करते हैं तो ये आता है वी इज इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख सकते हैं v इंटू यू माइनस एफ इज इक्वल टू यू एफ। ठीक है, अब देखेंगे कि ये जो v है इसमें मैं f को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ और साथ में ऐड भी कर देता हूँ ताकि जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो, है ना। तो ये जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे v माइनस एफ को u माइनस एफ से पहले मल्टीप्लाई करेंगे v माइनस एफ इंटू यू माइनस एफ प्लस, अब f को u माइनस एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा यू एफ माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू यू एफ, है ना। तो ये यू एफ और ये यू एफ कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये जो मिरर फॉर्मूला था वो थोड़ा चेंज होकर के कैसे हो गया, v माइनस एफ इंटू यू माइनस एफ इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। ठीक है, अभी हम लोग जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो प्लॉट करेंगे हम लोग कॉनकेव मिरर के लिए, है ना। तो फॉर कॉनकेव मिरर कोऑर्डिनेट ऑफ फोकल लेंथ और फोकस एफ इज इक्वल टू माइनस एफ। जैसा पिछले ग्राफ में भी मैंने बताया था कि जो कैपिटल एफ है वो केवल डिस्टेंस है, है ना। उसके आगे माइनस साइन लगाने से फोकस का कोऑर्डिनेट आता है जिसको हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर ये जो मिरर फॉर्मूला को हमने इस तरह से लिखा है उसमें एफ स्मॉल एफ के जगह पर माइनस कैपिटल एफ रखेंगे तो क्या रिलेशन आएगा, रख के देखते हैं। तो ये हो जाएगा v प्लस एफ इंटू यू प्लस एफ इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, ये रिलेशन आएगा। ठीक है, अब ये जो रिलेशन है इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूँ जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ होता है या इक्वेशन होता है उसके बारे में, है ना। x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन होता है जिसका ऑरिजिन होता है 0, 0 पर, है ना। मतलब कुछ इस तरह से होता है, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ जो है वो ऐसे आता है। ठीक, इसी को अगर हम लोग थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखें, एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू सी, तो देखेंगे ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है, बस उसका जो ऑरिजिन है वो शिफ्ट हो जाएगा। ऑरिजिन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, x0 और y0 पर। इसमें ऑरिजिन था 0, 0 पर, है ना,
वहां पर एक्स नॉट का वैल्यू जीरो था, वाई नॉट का वैल्यू जीरो था इसमें, ठीक है। तो ये जो ग्राफ था वो जीरो जीरो जो होता है ओरिजिन, उसके अबाउट जो है सिमेट्री आ रखा था इसमें। यहां पर क्या होगा, एक्स नॉट वाई नॉट जो है उसके अबाउट सिमेट्री ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो देखेंगे ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है वैसा ही इक्वेशन कुछ यहां भी बन रहा है ना। तो इस इक्वेशन को हम लोग इस v और x एक्सिस पर, v और u एक्सिस पर प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ये v एक्सिस हो गया और ये u एक्सिस हो गया, ठीक। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको जीरो करेंगे, v प्लस f वाला जो टर्म है इसको जीरो करने से क्या होगा, ऑरिजिन शिफ्ट करना है हमें। तो ऑरिजिन शिफ्ट करने के लिए जैसे उस केस में ऊपर वाला इक्वेशन मैंने लिखा था, उसमें ऑरिजिन कहां था, एक्स नॉट और वाई नॉट पर, है ना। यहां पर क्या होगा, माइनस एफ और माइनस एफ पर आएगा, एक्स नॉट का वैल्यू माइनस एफ है इसमें और वाई नॉट का वैल्यू भी माइनस एफ है ना। तो ऑरिजिन कैसे शिफ्ट करते हैं पहले मैं बताता हूं। इस पार्ट को आप जीरो करेंगे तो वी का वैल्यू आएगा माइनस एफ, वी का वैल्यू माइनस एफ हम लोग यहां पर प्लॉट करते हैं, है ना? मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर में इसको प्लॉट करता हूं, जैसे इसके लिए मैं रेड कलर ले लेता हूं, है ना। तो ये जो नया एक्सिस आएगा v इज इक्वल टू माइनस एफ, v इज इक्वल टू माइनस एफ नीचे आएगा, है ना। ये गलती से हमने ऊपर प्लॉट कर दिया है, तो इसको हम लोग नीचे प्लॉट करते हैं। यहां पर तो ये हो गया v इज इक्वल टू माइनस एफ, v इज इक्वल टू माइनस एफ वाली लाइन ये है, क्योंकि ये जो पॉइंट है v एक्सिस पर इसका कोऑर्डिनेट जो है वो, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x कोऑर्डिनेट होगा इसका जीरो और y कोऑर्डिनेट होगा इसका माइनस एफ, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा एक्सिस देखेंगे, इसको जीरो करेंगे u प्लस एफ को, तो वहां से u इज इक्वल टू माइनस एफ आएगा। इसको जीरो करने से v इज इक्वल टू माइनस एफ आया था, तो v इज इक्वल टू माइनस एफ वाला लाइन ड्रॉ किया। इसको जीरो करने से u इज इक्वल टू माइनस एफ आया, तो u इज इक्वल टू माइनस एफ वाली लाइन में ड्रॉ करता हूं यहां पर। तो u इज इक्वल टू माइनस एफ वाली जो लाइन है वो यहां से आएगा कुछ इस तरह से। तो ये हो गया u इज इक्वल टू माइनस एफ, ये जो पॉइंट है देखेंगे, ये u वाली लाइन है, u एक्सिस। तो इसी एक्सिस पर ओरिजिन से पीछे ये हो गया पॉइंट जहां पर u का वैल्यू माइनस एफ, ठीक। तो अब ये जो पॉइंट है यहां पर, जहां पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, u इज इक्वल टू माइनस एफ और v इज इक्वल टू माइनस एफ, इस पॉइंट पर यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है ना। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है इसको हम लोग लिख सकते हैं, यू जो है वो भी माइनस एफ और वी जो है वो भी माइनस एफ, है ना, ये वाला जो पॉइंट है। और ये जो पॉइंट है वो है जीरो कॉमा जीरो, जीरो कॉमा जीरो, ठीक है। और ये जो पॉइंट मैंने बताया इसको मैं लिख सकता हूं यहां पर माइनस एफ कॉमा माइनस एफ, ये मैंने ये वाला जो पॉइंट लिख रहे हैं इसका कोऑर्डिनेट ये था, ठीक है। अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे जिसमें कि हमें ध्यान में रखना है कि ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। मैं कलर चेंज कर देता हूं ग्राफ प्लॉट करने के लिए, है ना। तो एक ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास करेगा जीरो जीरो से, कुछ इस टाइप का आएगा जो कि यहां से जीरो जीरो से ये पास करेगा, है ना। इधर भी ऊपर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, और इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। उसी तरह से ये वाला जो है इधर ये कुछ आएगा ऐसे,
ऐसे, है ना। अगर यहाँ पर आप देखेंगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ओरिजिन से पास करता हो बीच बीच में ऐसे, तो ये जो पॉइंट है ओरिजिन है 0 0, ये जो पॉइंट है ये है -F, -F, ठीक है। और ये जाकर यहाँ को इंटरसेक्ट करेगा, ये पॉइंट है -2F, -2F, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया, है ना। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मिरर केस में अगर U निगेटिव हो तो रियल ऑब्जेक्ट है ना, और अगर V निगेटिव हो तो रियल इमेज है, अगर U पॉजिटिव हो तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, और अगर V पॉजिटिव हो तो वर्चुअल इमेज है, ठीक है। निगेटिव मतलब कि रियल बनेगा उधर निगेटिव साइड में, और पॉजिटिव साइड मतलब कि वर्चुअल बनेगा उधर, ठीक है। वो पिछले ग्राफ में भी मैंने बताया था, बिल्कुल वही चीज जो है वो यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, यू भी पॉजिटिव वी भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज। खास बात यह है कि देखें ग्राफ इस क्वाड्रेंट में गया ही नहीं, जो मैंने येलो लाइन ड्रॉ किया है वो ग्राफ है अपना, बाकी तो एक्सिस जा रहे हैं, है ना। ये एक ग्राफ है जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, और ये जो मैंने येलो लाइन ड्रॉ किया था सबसे पहले कर्व जो कि 0 0 से पास कर रहा है, ये सेकेंड और फोर्थ में, फर्स्ट में है ही नहीं। तो सेकेंड और फोर्थ में पहला वाला जो लाइन ड्रॉ किया वो है, और जो दूसरा लाइन ड्रॉ किया मैंने वो थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आया। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होते हैं तो रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज बनता है इसमें, है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो निगेटिव है, यानी कि रियल ऑब्जेक्ट होगा, जबकि इमेज डिस्टेंस वी पॉजिटिव होता है इसमें, वी पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है। उसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में यू देखेंगे पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, यू पॉजिटिव मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वी निगेटिव होगा इस क्वाड्रेंट में, तो वी निगेटिव होने का मतलब कि जो है रियल इमेज बनेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम ये चेक करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा हो तो इस ग्राफ से कैसे पता करेंगे कि वो रियल होगा वर्चुअल होगा या मैग्निफिकेशन कैसा होगा, ये सारी चीज़ हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें मैंने एक कॉनकेव मिरर बना रखा है, क्योंकि हमने ये ग्राफ ही कॉनकेव मिरर के लिए प्लॉट किया है, तो मैंने कॉनकेव मिरर जो है एक यहाँ पर बनाया है। तो ये जो 0 0 आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये 0 0 यहाँ पर ग्राफ में, वो एक्चुअली में पोल को रिप्रेजेंट करता है, ये जो पोल है वो 0 0 है ना। पोल के इधर राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो लाइन दिख रहा है U इज इक्वल टू -F वाली लाइन, यहाँ पर -F, -F मतलब ये जो है एक्चुअली में फोकस है ना, इसको फोकस कर सकते हैं। और जो -2F दिख रहा है आपको यहाँ पर, -2F का मतलब एक तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। इधर आएगा -∞ और इधर आएगा +∞, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में रखा, ठीक है, तो कैसे पता करेंगे कि उसका इमेज कहां पर बनेगा, मैग्निफाइड होगा इरेक्ट होगा, कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसके लिए ग्राफ कहां पर है, उसके लिए ग्राफ देखेंगे यहां पर, ये लाइन एफ और ये जीरो, यू का वैल्यू यहां पर 0 है और यहाँ पर -F है, तो इनके बीच में जो ग्राफ है, जो कि यहाँ पर आपको ग्राफ दिख रहा होगा, ये येलो लाइन वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है उसको देखना है, इस रीजन में F और पोल के बीच में वही ग्राफ आता है। तो उस ग्राफ को आप देखेंगे तो सारी चीजें पता कर सकते हैं। इसमें क्या बताया गया है, देखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 0 से -F, लेकिन इमेज डिस्टेंस 0 से +∞ तक, ये ग्राफ +∞ तक जा रहा है ना। तो इमेज डिस्टेंस जो है वो 0 से
प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी इमेज इधर बनेगा, ठीक है, इमेज इधर बनेगा। तो कह सकते हैं कि इस केस में जो इमेज का लोकेशन होगा वो कहाँ पर होगा, बिटवीन पोल एंड प्लस इन्फिनिटी, मतलब मिरर के पीछे, ठीक है ना। इसको सिंपली कह सकते हैं बिहाइंड मिरर, है ना। और क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा अगर इसमें हमें पता करना है कि रियल होगा या वर्चुअल इमेज होगा। तो देखें ये जो ग्राफ है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, अपना ओरिजिनल देखें, ये वी एक्सिस है और ये यू एक्सिस है, दोनों के बीच में है इधर सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑब्जेक्ट तो रियल है लेकिन यहाँ पर वर्चुअल इमेज है, तो इमेज यहाँ पर वर्चुअल बने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इमेज इज वर्चुअल, ठीक। अब देखना है कि मैग्निफाइड होगा या जो है डिमिनिस्ड होगा, उसके लिए मैग्निफिकेशन देखें। मैग्निफिकेशन क्या होता है, माइनस वी बाई यू, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो जीरो से माइनस है, बहुत छोटा सा चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में ज्यादा चेंज नहीं है, जबकि इमेज डिस्टेंस में, इमेज डिस्टेंस देखेंगे जीरो से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी वी का वेरिएशन बहुत ज्यादा है और यू का वेरिएशन बहुत कम है। तो ये लार्ज है और ये स्मॉल है, तो ऑब्वियसली जो एम का वैल्यू आएगा वो वन से बड़ा आएगा, तो ये कह सकते हैं कि मैग्निफाइड हो जाएगा, है ना, मैग्निफाइड इमेज बनेगा। उसके बाद हम ये पता करेंगे कि इरेक्ट बनेगा या इन्वर्टेड बनेगा, तो उसके लिए हमें इसका साइन देखना है, मैग्निफिकेशन का साइन। पॉजिटिव आता है तो इरेक्ट बनता है और निगेटिव आता है तो इन्वर्टेड बनता है। तो देखेंगे इस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट जहां पर ये ग्राफ है, उस ग्राफ में V पॉजिटिव है और U इधर निगेटिव में है ना, U निगेटिव में है, तो एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है और आगे माइनस साइन है, तो माइनस ये और माइनस ये प्लस हो गया, तो ये पॉजिटिव आया और पॉजिटिव आने का मतलब है कि इरेक्ट बनना चाहिए, है ना, तो इरेक्ट इमेज बनेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो पता चल गई, बस एग्जैक्ट लोकेशन यहां से पता नहीं चला। एग्जैक्ट लोकेशन पता करना हो तो मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो तो आपको आता है ना। अगर थियोरिटिकल क्वेश्चन पूछा जाए जहां पर सिर्फ ऐसी चीजें पूछी जाए तो बता सकते हैं केवल इस ग्राफ से। अब आप कहेंगे कि ये तो मैं पहले से पता था क्योंकि हमने रे डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है ना। तो रे डायग्राम ड्रॉ करके आप तो केवल रियल ऑब्जेक्ट के लिए ड्रॉ करके याद रखते हैं, वर्चुअल के लिए आपको याद नहीं होता है ना। वर्चुअल के लिए भी आप पता कर सकते हैं, मैं बताता हूँ वर्चुअल के लिए। देखें यहाँ पर वर्चुअल का मतलब हुआ कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होना चाहिए, यू पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, यानी ऑब्जेक्ट किधर होगा, मिरर के इधर, इधर पॉजिटिव होता है। अगर इधर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उसमें ग्राफ कौन सा आएगा, देखें यू जो है, यू पॉजिटिव कहां से आएगा, यहां से इधर, है ना। तो उसके लिए ग्राफ कौन सा है, ये जो ग्राफ देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये ग्राफ येलो कलर से मैंने ड्रॉ किया है, ये ग्राफ देखना है, ठीक। तो इस ग्राफ में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इमेज कहां पर बनेगा, इमेज जिसमें देखें, इमेज जिसमें मतलब कि वी का वैल्यू देखना है। तो वी जो है, ये ग्राफ शुरू होता है वी इज इक्वल टू जीरो से और खत्म कहां पर होता है, वी इज इक्वल टू माइनस एफ एल लाइन पर। ये जो रेड कलर नीचे ड्रॉ किया हुआ है ये इन्फिनिटी पर जाकर के इसको टच करेगा, यानी फाइनली कहां जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस एफ, वी इज इक्वल टू जीरो से शुरू होता है और v इज इक्वल टू माइनस एफ पर खत्म, यानी जीरो और ये माइनस एफ इसके बीच में बनेगा, ठीक है। तो ये अगर ऑब्जेक्ट यहां पर रखेंगे तो इमेज बनेगा इधर, है ना। न्यूटन ने कहा था कि ऑब्जेक्ट और इमेज का जो पोजिशन है वो इंटरचेंजेबल होता है। अभी हमने क्या देखा कि जब ऑब्जेक्ट हमने यहां रखा था फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज बना कहां पर, इधर। और अभी क्या देख रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को इधर रख रहे हैं तो इमेज कहां बन रहा है, इधर। तो ये चीजें भी यहां से हमें पता चल रही है, ठीक है, है ना। तो अभी के केस में हम लोग ये कह सकते हैं कि इस केस में ये ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए इमेज का लोकेशन होगा कहां पर, बिटवीन पोल
एंड फोकस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हमें पता करना हो कि इमेज रियल होगा या वर्चुअल, तो ग्राफ देखें। ये जो ग्राफ है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये वाला ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में रियल इमेज बनता है। ऑब्वियसली चूंकि मिरर के सामने बन रहा है, इधर बन रहा है, तो रियल होना चाहिए, तो रियल बनेगा, है ना। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन की, तो इसका मैग्निफिकेशन आप चेक करेंगे, माइनस वी वाई होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वी निगेटिव है ना, इधर वी निगेटिव है, ये टर्म हो गया निगेटिव, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव है, ये यू जो है इधर पॉजिटिव है ना, तो यू पॉजिटिव हो गया। अब देखें वी निगेटिव, यू पॉजिटिव, और आगे एक माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस, तो ये आ गया पॉजिटिव, है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां पर कह सकते हैं, यहां पर आप देखेंगे, तो यहां पर देखेंगे कि माइनस और माइनस, ये प्लस आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव आने का मतलब ये हुआ कि इरेक्ट इमेज बनेगा, है ना। जैसा कि मैंने पिछले केस में भी बताया था, मैग्निफिकेशन जब पढ़ाया था जिस वीडियो में, उस वीडियो को आप देखेंगे, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो इसका मतलब है इरेक्ट इमेज बनेगा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज बनेगा, है ना। तो ये भी पता चल गया। अब देखेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में, मैग्निफाइड है या डिमिनिश्ड है, तो उसके लिए देखना होगा कि जो v है वो बहुत छोटा सा है, v जो है जीरो से शुरू हो रहा है, माइनस ए पर खत्म, v इतना चेंज हो रहा है, और u जो है यहां से देखेंगे इन्फिनिटी तक जा रहा है। इधर ये जो ग्राफ है, ये वाला येलो ग्राफ देखना आपको, येलो ग्राफ कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में बहुत बड़ा चेंज है, जबकि इमेज डिस्टेंस बहुत छोटा सा है, जीरो से एफ तक, है ना। तो इस फॉर्मूले में यू लार्ज है, वी स्मॉल है, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो ये जो वैल्यू है वो उसका मैग्नीट्यूड लेस देन वन होगा। लेस देन वन एम का वैल्यू आ जाए तो मतलब डिमिनिश्ड होगा, है ना, तो डिमिनिश्ड आ गया, ठीक है। तो आपने देखा यहां पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, अगर मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट है तो ये वर्चुअल है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए आपने कभी रे डायग्राम नहीं ड्रॉ किया होगा, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इस ग्राफ से पता कर लिया कि अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहां पर बनेगा, रियल होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, डिमिनिश, सब पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो केस हो गए। और थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको, अगर ऑब्जेक्ट को आप फोकस और सेंटर और कर्वेचर के बीच में रखें तो क्या होगा, तो उसके लिए ग्राफ कहां देखेंगे, ये ग्राफ देखें, यहां पर येलो कलर वाला ग्राफ है अपना, पहले हमने ये वाला येलो कलर देखा जब ऑब्जेक्ट को हमने फोकस और पोल के बीच में रखा था, फिर पोल और प्लस इन्फिनिटी के बीच में रखा था, तो हमने ये वाला ग्राफ देखा, ये। अब एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट है तो हम लोग ग्राफ देखेंगे ये वाला, है ना, ये ग्राफ देखेंगे माइनस टू एफ से शुरू हो रहा है ना, मतलब कि जो वी का वैल्यू है वो है माइनस टू एफ, और फिर फाइनली जो है माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है इधर, तो v का वैल्यू माइनस टू एफ का मतलब c, और इधर माइनस इन्फिनिटी का मतलब इधर माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है f और c के बीच में रखा हो तो इमेज बनेगा c और इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं, इस केस में अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इसका इमेज कहां बनेगा, बिटवीन c एंड माइनस इन्फिनिटी, ठीक। और क्या पता कर सकते हैं, रियल होगा या वर्चुअल होगा, चूंकि ये ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में है जहां पर रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनता है, तो ये कह सकते हैं कि रियल इमेज बनेगा, है ना। मैग्निफिकेशन की बात करें, माइनस वी वाई होता है, इसमें दोनों निगेटिव होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में यू भी निगेटिव होता है, वी भी निगेटिव होता है, तो ये भी निगेटिव, पॉजिटिव हो गया और आगे एक माइनस साइन है, तो अल्टीमेटली निगेटिव आया। निगेटिव का मतलब होता है अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव आ जाए तो इन्वर्टेड इमेज बनता है। अभी तक हमने देखा था तो हमेशा इधर दो दो केस देखे हमने, इधर दोनों में ही मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया था,
तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने का मतलब है कि इरेक्ट बनेगा, यहाँ पर मैग्निफिकेशन निगेटिव आ गया मतलब इन्वर्टेड इमेज बनेगा, है ना। अगर ऑब्जेक्ट नीचे रखेंगे तो ऊपर बनेगा इमेज, अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर रखेंगे तो इमेज नीचे बनेगा, ठीक है। तो इसमें कहा जा सकता है कि इन्वर्टेड इमेज बनेगा। उसके बाद अब हम ये पता करेंगे कि जो इमेज है वो मैग्निफाइड होगा या डिमिनिश्ड होगा। उसके लिए एम का वैल्यू देखना पड़ेगा कि वन से बड़ा है या छोटा है, ठीक है। तो इस ग्राफ को देख लीजिए, जो ग्राफ हम लोग देख रहे थे इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना सा है ना। ये यू वाली एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यू एक्सिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताता है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज देखेंगे ना इस ग्राफ में, तो यहाँ पर है मतलब माइनस एफ से माइनस टू एफ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस छोटा सा है, जबकि इमेज डिस्टेंस जो है बहुत बड़ा। इमेज डिस्टेंस माइनस टू एफ से शुरू हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। इमेज डिस्टेंस यहाँ से इधर जा रहा है पूरा लंबा, जबकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना ही ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें इमेज डिस्टेंस जो है ये बहुत बड़ा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, यानी जो मैग्नीट्यूड है वो वन से बड़ा आएगा, और वन से बड़ा आने का मतलब है कि मैग्निफाइड हो जाएगा, है ना। तो मैग्निफाइड इमेज बन जाएगा। उसी तरह से अगर आपको देखना हो कि अगर ऑब्जेक्ट को सी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में रख दिया जाए इधर, इसके लिए ग्राफ कौन सा देखेंगे, ये वाला ग्राफ बाकी रह गया बस आखिरी पार्ट, है ना। हमने जो ग्राफ प्लॉट किया था वो ग्राफ क्या था, मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ एक बार फिर से, है ना। ये देखें जो मैंने येलो कलर से प्लॉट किया था वो ग्राफ अभी ब्लैक कलर से मैं दिखा रहा हूँ। ये ग्राफ था अपना, है ना, इन्फिनिटी तक जा रहा था और इस क्वाड्रेंट में ऐसे आ रहा था, ठीक है। तो पहले पार्ट में हमने ये वाला पार्ट देखा, फिर दूसरे पार्ट में हमने ये देखा, तीसरे पार्ट में ये देखा, चौथे पार्ट में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे तो ग्राफ का ये वाला पार्ट देखेंगे, है ना। तो इसमें देखेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो माइनस टू एफ से माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, जबकि इमेज डिस्टेंस बहुत छोटा सा है। इमेज डिस्टेंस जो है वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, मतलब इमेज डिस्टेंस माइनस टू एफ से माइनस एफ तक, ये वाली जो रेड लाइन आपको दिख रही है उसको ये टच करेगा इन्फिनिटी पर, इधर जाकर के इन्फिनिटी पर, उसके आगे क्रॉस नहीं करेगा। तो इमेज डिस्टेंस माइनस एफ वाली लाइन और ये जो माइनस टू एफ वाली लाइन है उसके बीच में है, है ना। तो इमेज जो है वो कहाँ बनेगा, माइनस एफ यानी ये वाला पॉइंट, माइनस टू एफ मतलब ये वाला पॉइंट सी, माइनस एफ मतलब फोकस, माइनस टू एफ मतलब सी सेंटर कर्वेचर। तो अगर ऑब्जेक्ट को आप इधर रखेंगे तो इमेज डिस्टेंस जो आएगा वो इसके बीच, इमेज यहाँ पर बनेगा फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच में, है ना। तो इसका लोकेशन बताना हो तो कहेंगे बिटवीन सी एंड एफ। अगर हमें पता करना हो रियल की वर्चुअल, तो चूंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ है तो रियल इमेज बनेगा, है ना, रियल इमेज बनेगा। इसका मैग्निफिकेशन देखना है तो मैग्निफिकेशन के लिए जो है मैं यहाँ पर बताता हूँ, एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है, ठीक है। तो इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बहुत लार्ज है ऐसे देखेंगे, जबकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बहुत थोड़ा सा है, है ना। तो इमेज डिस्टेंस ये छोटा है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लार्ज है, डिनोमिनेटर जो है बड़ा है, तो ये वैल्यू लेस देन वन आ जाएगा, और लेस देन वन आने का मतलब है कि डिमिनिश्ड होना चाहिए ना, डिमिनिश होना चाहिए। अब इरेक्ट या इन्वर्टेड उसके लिए इसका साइन देखना होगा, एम का साइन कैसे देखेंगे, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ है ये वाला, थर्ड क्वाड्रेंट में यू और वी दोनों निगेटिव होते हैं, तो ये वी भी निगेटिव यू भी निगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस और एक आगे माइनस साइन है, तो फाइनली निगेटिव रह जाएगा। तो निगेटिव का मतलब हो गया इन्वर्टेड, है ना, इन्वर्टेड इमेज हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि कम से कम इसमें तीन रीजन ऐसे थे जिसके लिए हमें पहले से पता था कि इमेज कहाँ पर बनेगा, कौन सा, पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो, फिर फोकस और सी के बीच में रखते हैं तो, फिर सी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं तो। इसका हमें पता था क्योंकि इसके लिए तो हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके बारे में पढ़ते भी हैं, सीखते भी हैं, है ना।
तो वो भी आप मैच कराएंगे तो यहाँ मैच करेगा सारा। यहाँ के लिए जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो तो कैसा होगा, यहाँ पर हमने ये पता करा था। इमेज पोल और प्लस इन्फिनिटी के बीच में बनेगा मिरर के पीछे, इमेज वर्चुअल होगा, मैग्निफाइड होगा, इरेक्ट होगा, ठीक है। सी और एफ के बीच में कैसा बनेगा उसके लिए हमने यहाँ पर लिखा है, सी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में बनेगा, रियल इमेज होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्निफाइड भी होगा, है ना, ये मैग्निफाइड भी होगा। उसके बाद सी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे तो कैसा होगा, आप मैच कराएंगे वहां से जो आपने याद किया होगा। ये आया हमारा ग्राफ से आया है, बिटवीन सी एंड एफ, रियल, डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड, ठीक है। क्या आपको पता नहीं था? आपको पता नहीं था अगर ऑब्जेक्ट को पोल और प्लस इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे तो, है ना, अगर यहां रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा पता नहीं था। वो हमने ग्राफ से पता किया और वो हमने डिटेल कहाँ लिखा है, यहाँ पर आप देखेंगे ये, है ना, कि पोल और फोकस के बीच में बनेगा, रियल होगा, इरेक्ट होगा, है ना, और डिमिनिस्ड होगा, है ना। यहाँ पर हमने ये लिख रखा है कि ये डिमिनिस्ड होगा, ये वर्चुअल के लिए होगा, ठीक है। तो जिस तरह से हमने ये कॉनकेव मिरर के लिए ग्राफ प्लॉट किया उसी तरह से आप कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा हमें नहीं पता होता, ठीक है, हम केवल रियल के बारे में जानते हैं। और आपको याद होगा कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग केवल एक ही टाइप का रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, रियल ऑब्जेक्ट जो है उसको मिरर के सामने रख देते हैं, इमेज जो है वो फोकस और पोल के बीच में बन जाता है जो कि वर्चुअल होता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो और मिरर के पीछे रखा हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा कैसे बनेगा हमें पता नहीं होता। लेकिन अगर उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, यूवी ग्राफ, तो आप सारा चीज पता कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आईटीजे में वैसी ही चीजें पूछी जाती हैं जो आपको आसानी से समझ में नहीं आती है, है ना। इसलिए ये यूवी ग्राफ को एक बार प्रैक्टिस जरूर करें, मुश्किल जरूर है, अभी मैंने एक बार बताया है सबको शायद समझ में नहीं आया हो, इसको आपको घर पे प्रैक्टिस करना चाहिए, है ना। दो चार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा खुद, मतलब ये सारी चीजें पता करने की कोशिश करें। मैंने जो बताया कि किस तरह से लोकेशन पता करते हैं, किस तरह से रियल वर्चुअल पता करते हैं, किस तरह से इन्वर्टेड, इरेक्ट, मैग्निफाइड, डिमिनिश कैसे पता करते हैं, पता करने का तरीका जो मैंने यहाँ पर बताया है, ठीक है, इस तरीके को सीखने की कोशिश करें। एक बार खुद एक बार सीख लीजिएगा तो मैं बताता हूँ कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बहुत सारे सवाल जो है कॉन्सेप्चुअल सवाल ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया केवल कॉनकेव मिरर के लिए प्लॉट किया है, कॉन्वेक्स मिरर का ग्राफ प्लॉट करने के लिए वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आपको ड्रॉ करना। और जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप पता करना, ठीक है। एक और काम की बात मैं बताता हूँ, इस ग्राफ में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ये ग्राफ है, v इज इक्वल टू माइनस एफ या u इज इक्वल टू माइनस एफ वाली जो लाइन है, ये लाइन दिख रही है रेड कलर की लाइन, हमने जो एक्सिस ड्रॉ किया है ये और ये, इस लाइन को ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया था ना येलो कलर से, वो ग्राफ टच नहीं कर रहा है। ग्राफ टच नहीं करने का मतलब क्या हुआ, इसका खास मतलब है, इसका मतलब ये है कि फोकस के, जैसे ये फोकस है तो फोकस के जिस साइड में ऑब्जेक्ट रहता है उसी साइड में इमेज बनता है, है ना। आपने ध्यान दिया होगा अभी जो मैंने बताया, ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे तो इमेज इधर बनेगा और ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे तो इमेज इधर बनेगा, फोकस अक्रॉस नहीं करता। उसी तरह से ये फोकस वाला लाइन है, फोकस के इधर ऑब्जेक्ट जो है, फोकस और सी के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे तो इमेज इधर बनता है और ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे तो इमेज इधर बनता है, फोकस अक्रॉस नहीं करता, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि फोकस वाली लाइन को ग्राफ इसीलिए इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि फोकस के जिस साइड में ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड में इमेज भी बनता है, ये खास बात है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस ग्राफ से पता कर सकते हैं और ये चीजें जो है वो मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं जो कि आप केवल इस ग्राफ से पता कर सकते हैं, है ना।
है ना, ऐसे आप ढूंढते रह जाएंगे, उसका जवाब आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए जरूरी है कि आप कॉनकेव मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का ग्राफ जो है प्लॉट करें और खुद रियल वर्चुअल जो है इरेक इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमनेस्ट पता करने की कोशिश करें, है ना। मैंने एक बार बता दिया है ना, मेरा काम था बताना। बाकी जो है मैंने बताया कि बहुत सारे बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे टीचर्स जो हैं इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए आप ज़रूर जो है इसको समझने की कोशिश करें। आपको जो है दो तीन बार इसको समझने के लिए कोशिश करना पड़ेगा, कोशिश करेंगे, खुद ड्राइव करने की कोशिश करेंगे तब आकर समझ में आएगा, ठीक है। और खास बात बताऊँ, ऐसे ही ग्राफ लेंस में भी आता है ना, कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस जो होते हैं उनके लिए भी ऐसा यूवी ग्राफ आता है, तो वहाँ भी हेल्प करेगा अगर आप यहाँ पर सीख जाएंगे, ठीक है।